एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पूरे प्रदेश के साथ दमोह जिला मुख्यालय पर भी भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच करके आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह के SDM को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में विभिन्न तरह की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रदेश स्तर पर इस प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज। पहले जो है महंगाई को बढ़ा दिया गया था, अपने प्रकार के साथ में समझ दिया है और घटी हुई उसका भी हमें आदि साथ में आया है। ऐसी आशा है सभी संगठनों की कि जो वेतन है जो बढ़ा हुआ वेतन था वो सभी को प्रदान किया जाए। इसी आशा में भारत को सामान आदर जारी हो जाएंगे सर। जी मैं बिल्कुल सबके सामने प्रस्तुत कर दूँगा और ऊपर जो भेजने वाले शासन स्तर को वहाँ पावती आप इसमें दे दूँगा। ज्ञापन लेने की आप ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय आह्वान पर वेतन विसंगतियों को लेकर के आज भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश के 52 जिलों में श्रमिक के हितों में आज ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, श्रम मंत्री के नाम से आज जिलाधीश महोदय को, जिले की पूरी टीम और भारतीय मजदूर संघ के समस्त आनुषांगिक संगठन जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपने आए। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किन मांग आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? देश में आउटसोर्स कर्मचारियों की आज बड़ी दयनीय हालत है। 3-4 हज़ार रुपये में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसा कि पहले प्रदेश ने जो आदेश जारी किया था उसमें बढ़ोतरी की थी और वर्तमान में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें कटौती कर दी गई है। उसी के संबंध में भारतीय मजदूर संघ की आशा अपेक्षा है कि श्रमिकों के हित में जो मांगे हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी माने, ऐसा जिलाधीश महोदय से हम लोग जो है ज्ञापन के माध्यम से सूचित करने आए हैं। ज्ञापन देने